जहां एक ओर पूरा देश कोरोना वायरस जैसी गंभीर स्थिति से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर भारतवासी भी अपनी एकजुटता, करुणा और सेवा का परिचय देते हुए खुद के साथ साथ सभी लोगों के बचाव में लगे हुए हैं। कोरोना के कारण बंद हुई यातायात और अन्य सुविधाओं की वजह से भरतपुर जिले में भी गांव और बाहरी क्षेत्रों के लोग फंसे हुए हैं, जो अपनी मूलभूत सुविधाओं से महरूम हैं। तो साथ ही कई मजदूर और गरीब तबके के लोग एक वक्त का भोजन नहीं जुटा पा रहे। इस मुश्किल दौरे में इन बेसहारा लोगों के साथ खड़े होकर आज जिला बाल संरक्षण इकाई सदस्य बबीता शर्मा द्वारा लगभग 300 भोजन के पैकेट बांटकर अपनी दयालुता का परिचय दिया। इस दौरान बबीता शर्मा ने स्थिति बेहतर होने तक सरकार के पूर्ण सहयोग और इन लोगों को अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करने की बात कही। राष्ट्रीय परशुराम सेना के जिला अध्यक्ष वैभव उपमान, शहर अध्यक्ष अनीता शर्मा, दीवान शर्मा, मयंक मौजूद रहे। भरतपुर से संवाददाता कृष्णकांत शर्मा की रिपोर्ट। देखते हुए हम लोगों ने परशुराम सेना और महिला कांग्रेस महासचिव की तरफ से आज 3-4 दिन से हम खाने के पैकेट वितरित कर रहे हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं कि जो भूखे प्यासे सड़कों पे से गुजर रहे हैं। बहुत से लोग 300-400 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहे हैं, उन्हें पानी की, चाय की, खाने की व्यवस्था से वो वंचित हैं। तो हम सब लोग उन लोगों के लिए मदद के लिए आगे आए हैं, और मैं निवेदन करती हूँ कि जितने भी भामाशाह हैं और जितने भी अपने समाज सेवी हैं, वो लोग आगे आएँ और आगे आके हम सब लोगों के सहयोग में आगे हाथ बटाएँ और सब लोग अपना अपना सहयोग दें, तो जिससे कम से कम जो ये महामारी कोरोना की फैल रही है उससे लोग सावधान रहें। और लोगों को बार बार में हम लोग ये भी बता रहे हैं कि अपने हाथ बार बार में धोने चाहिए, और जैसे हम लोग खाना बांट के आए तो किसी से हमारा हाथ टच होता है हम सैनिटाइज करते हैं, उन लोगों के हाथों पर भी हम सैनिटाइज वगैरह करा के उन लोगों को खाने के पैकेट वितरित करते हैं। मेरा नाम बबीता शर्मा है, शहर महिला जिला कांग्रेस महासचिव हूँ और परशुराम सेना में जिला उपाध्यक्ष हूँ।